अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैकडॉनल्ड जो कि श्रीनगर हाईवे जिसे हम कश्मीर हाईवे कहते हैं उस पर मौजूद हूँ। मैं पिछले कुछ मिनट से एक चीज देख रहा हूँ जो मुझे बड़ी अजीब लगी है। मैं ड्राइव थ्रू पे जब कुछ अपने लिए ले रहा था तो ये जो मेरे आगे गाड़ी खड़ी है इसके साथ ये जो बच्चा खड़ा है, ये बच्चा इस गाड़ी में आया इनके साथ। इन्होंने ड्राइव थ्रू पे जाने से पहले इस बच्चे को इस गाड़ी से उतार दिया और अंदर जो लोग बैठे हैं इन्होंने अपने लिए कुछ ड्राइव थ्रू से लिया और ये बच्चा पैदल पैदल इस गाड़ी के पीछे ड्राइव थ्रू से आगे आया है। तो ये इस वक्त रिजर्व पार्किंग में हम लोग खड़े हैं। मैंने अपना कुछ जो फूड लिया था मैंने खाया है यहां पे खड़े होके। तो उसके बाद ये जो बच्चा आगे खड़ा है तो ये बच्चा इस गाड़ी के साथ खड़ा है काफी देर से। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कोई वैसे बच्चा है। मैंने इसको हॉर्न दिया और मैंने इससे बात करने की कोशिश की बुला के, लेकिन उसने मुझे मना किया। उसने कहा जी मैं गाड़ी वालों के साथ हूं, अब ये गाड़ी वाले अपना फूड अंदर बैठ के खा रहे हैं और इस बच्चे को इन्होंने गाड़ी से बाहर निकाल के खड़ा किया हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग के साथ कोई मुलाजमीन है या कोई इस तरह का इशू है तो आप लोग प्लीज इस तरीके से आप बच्चों को या कोई भी आपके साथ आपका जो है वो सर्वेंट है या कोई भी है कोई काम करने वाला, तो प्लीज आप उसे ना लेके आए और इस तरीके से जो है वो ना करें। कम से कम कुछ खाना लेके देने से या कोई आप में कोई कमी नहीं आ जाती। तो प्लीज अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, इंसानियत की भी कोई कदर होती है, इंसानियत भी किसी चीज का नाम है। तो इतने बड़े इस शहर में इस कैपिटल में रहने के बाद भी हम लोगों में अगर इंसानियत नहीं पैदा हुई तो मेरे ख्याल से हमारी ये सारी जो है वो इतना सब कुछ होना किसी काम का नहीं है। तो मैं सब पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऐसे लोगों का ख्याल करें और प्लीज अपने लोगों के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने यहां काम करने वालों के साथ प्लीज ऐसा रवैया मत